तो क्या भगवान ने तुम्हें ये जन्म केवल संतानें पैदा करने को दी है? बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की मौज। मनुष्य जीवन केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं होता। आपको विवेक और दिमाग इस जन्म में क्यों दिया गया है? पशु को दिया गया है, पशु कोई पुण्य करते हैं? बताइए, वो केवल अपना पाप भोगने आते हैं। उनकी एक आयु है, वो आयु पूरी करनी है, वो उनके पाप है, वो भोगेंगे, खत्म हो जाएगा। मनुष्यों को दिमाग दिया गया है, विवेक दिया गया है, सोचने समझने की शक्ति दी गई है, ताकि आप अच्छे कार्य करें, अगला जन्म अच्छा हो, और ज्यादा अच्छे कार्य करें तो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है इससे पार हो जाए हम। पर इसे भोजन करने में, संतानें पैदा करने में, इन्हीं चीजों में गवा दोगे तो तुम में और पशु में अंतर ही क्या रहेगा?